देश की राजधानी दिल्ली में मुफ्त पानी योजना के तहत हर महीने करीब 10 लाख उपभोक्ताओं के जल बोर्ड निशुल्क पानी उपलब्ध करा रहे हैं। बदले में दिल्ली सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में जल बोर्ड को सब्सिडी के रूप में 425 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। मौजूदा वित्त वर्ष में भी मुफ्त पानी की योजना पर सब्सिडी के रूप में इतनी ही राशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना को लेकर हाई कोर्ट की टिप्पणी से दिल्ली सरकार व जल बोर्ड के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई है। तो वहीं जल बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार को इस योजना की समीक्षा करनी पड़ सकती है। जल बोर्ड भले ही करीब 10 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क पानी उपलब्ध करा रहे हो, पर इससे विभाग को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार जल बोर्ड को सब्सिडी दे रही है, इसलिए जल बोर्ड के राजस्व पर इसका असर नहीं पड़ा है, पर इसका सीधा असर सरकार के खजाने पर जरूर पड़ रहा है।